अमरोहा शहर उत्तर प्रदेश राज्य में सोत नदी किनारे पर बसा हुआ है। अमरोहा शहर अपने आमों के लिए भी खास प्रसिद्ध है। इस नगर में मिट्टी के बर्तन, बुनाई और चीनी मुख्य उद्योग है। अमरोहा शहर में ढोलक का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ पर बने हुए ढोलक पूरे भारत के साथ साथ अन्य कई देशों में काफी पसंद किए जाते हैं। यहाँ कृषि पर आधारित कई छोटे छोटे उद्योग स्थापित है जो अपने शहर के युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करते हैं। जिले की अर्थव्यवस्था कृषि के साथ साथ छोटे छोटे उद्योग धंधों एवं अन्य व्यवसाय पर निर्भर करती है। प्रदेश के पश्चिम जिलों में अमरोहा जिला बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है और दूरी बहुत कम है, इसलिए यहाँ के लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है। अमरोहा नगर को प्राचीन काल में अंबिका नगर से जाना जाता था। दोस्तों, अमरोहा पहले मुरादाबाद जिले का एक हिस्सा था, लेकिन 15 अप्रैल 1997 में इसे जिले के रूप में घोषित कर दिया गया। यहाँ की प्रमुख नदियाँ गंगा और कृष्णा नदी है। अमरोहा के पास में बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर से घिरा हुआ है। वर्तमान में अमरोहा में धनोरा, हसनपुर, नौगांव सहित 4 तहसील है। ऐसा कहा जाता है कि जनरल साफुद्दीन यहाँ आए थे और स्थानीय लोगों ने उन्हें आम और मछली भेंट की। इस प्रकार उन्होंने शहर का नाम अमरोहा रख दिया, जिसे अमरोहा कहा जाता है। अमरोहा में घूमने के लिए बहुत सारे स्थान है, जैसे कि नंबर 1 वासुदेव मंदिर और तुलसी गार्डन। अमरोहा का बहुत ही फेमस मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास बताया जाता है कि 5.5 साल पुराना है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 81 फीट ऊंचा शिवलिंग भी है और वासुदेव सरोवर भी है। और कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इस सरोवर में वासुदेव ने स्नान किया था। इस मंदिर का बहुत ही सुंदर निर्माण किया गया। अगर अमरोहा के हिंदू प्रार्थना के लिए शेरवर की दरगाहों में इकट्ठा होते हैं, तो इस मंदिर में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। ये मंदिर एक धर्म निरपेक्षता का प्रतीक है। यहाँ एक गुरुद्वारा और मीरा बाबा का मंदिर भी है। यहाँ पास में ही तुलसी पार्क है। तुलसी पार्क हरियाली से भरा है। ये स्थानीय लोगों द्वारा सुबह और शाम के सैर के लिए जाना जाता है। ये काफी शांत और सुंदर है, जो इस शहर का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनता है। नंबर 2 तिगरी धाम। तिगरी धाम अमरोहा शहर से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है तथा जगरोल तहसील से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिगरी एक छोटा सा गांव है जो गंगा तट पर स्थित है। यहाँ प्रति वर्ष गंगा स्नान पर भव्य मेला लगता है। तिगरी मेला 3 दिन तक चलता है। गंगा धाम तिगरी में लगने वाले मेले में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु दूर दराज से स्नान के लिए आते हैं। नंबर 3 दरगाह शाह विलायत। सैयद हुसैन की दरगाह सराफुद्दीन शाह विलायत अमरोहा के मुख्य पर्यटक आकर्षणों से एक है। इस सूफी संत का आशीर्वाद पाने के लिए पूरे भारत से पर्यटक आते हैं, जो पहले मुगल सम्राट और बाबर के समकालीन थे। दरगाह परिसर में आज भी बिच्छू आकुतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसा कहा जाता है कि साहब विलायत की शक्ति उन्हें ऐसा करने से रोकती है, जिसके कारण इसे बिच्छू वाली दरगाह भी कहा जाता है। साहब विलायत साहिब के जन्म का जश्न मनाने के लिए हर साल वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। ये अमरोहा में त्योहार का माहौल बनाता है। नंबर 4 बाई का कुआ। ये सीढ़ीदार कुआ अमरोहा में बिजनौर मार्ग पर गांव रज्जाकपुर में कताई मिल के पास उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। स्थानीय स्तर पर इसे बाई का कुआ के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में कुएं और तालाब की खुदाई करना पुण्य का काम माना जाता है, लिहाजा प्रता के भलाई के लिए अम्मा देवी के इस कुएं का निर्माण कराया था। कुआ कंकर और पत्थर से बना है। कुएं की गहराई करीब 30 फीट है, जबकि इसका व्यास लगभग 15 फीट है। कुएं की बनावट इस प्रकार से की गई है कि बारिश या बाहर का पानी अंदर नहीं आ सकता। कुएं में पानी के निचले स्तर जाने के लिए 30 सीढ़ियां बनी हुई है। नंबर 5 जामा मस्जिद। अमरोहा की जामा मस्जिद खूबसूरती का एक बेजोड़ नमूना है। ये यहाँ की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। अमरोहा जाने के लिए निकटतम एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। अमरोहा में रेलवे स्टेशन से पहुंच सकते हैं। ये शहर दिल्ली जयपुर से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अमरोहा में कौन सी जगह घूमना पसंद है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।